नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रेजुएट कॉलेज में। यहाँ पर कुछ छात्राओं के द्वारा काफ़ी बवाल किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना हंगामा हो रहा है और बात कॉलेज प्रबंधन तक पहुँच चुकी है। तो देखिए मेरी यह खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्या मामला है जिसकी वजह से कॉलेज में इतना हंगामा हो रहा है। परीक्षा हॉल में पहले हम लोगों के साथ मिसबिहेवियर हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड की हम लोग को गलत क्वेश्चन नंबर बांट दिया गया था। हम लोग का एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स का और क्वेश्चन नंबर बांटा गया था हम लोग को जियोग्राफी का। जब हम लोग मैम को बोला कि मैम ये क्वेश्चन पेपर गलत है, तो मैम के द्वारा हमें ये बताया गया कि तुम लोग 1.5 साल से कॉलेज गए नहीं हो, मैम तुम लोग कुछ पढ़ाई नहीं है और बोल रहे हो तुम लोग क्वेश्चन पेपर गलत है। जब सारे छात्र ने इसका आर्गूमेंट बोला मैम को कि ये क्वेश्चन पेपर गलत है, तब जाके मैम बोले कि पता करते हैं। जब उनको पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर सही में गलत है, तो उनके द्वारा बोला गया था कि कॉलेज प्रबंधन का गलती था जिसके कारण आप लोग को एग्ज़ाम देने में लेट हुआ, इसके लिए आप लोगों को आधा घंटा विशेष समय दिया जाएगा। लेकिन वो विशेष समय हम लोग को नहीं दिया गया, 12 बजे के लगभग हम लोग का कॉपी ले लिया गया। अभी कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि जो आरोपी शिक्षिका है उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो इनका आधा घंटा समय छात्रों को बर्बाद हुआ है वो आधा घंटा समय के लिए उनको भुगतान दिया जाएगा। और परीक्षा नियंत्रक कुलान विश्वविद्यालय से इसके बारे में बात की जा रही है। हम लोग परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी बातों को बताया है, छात्रों की समस्याओं को बताया है, लेकिन हम लोगों ने देखा है परीक्षा नियंत्रक महोदय छात्रों के पे एक भी बात को नहीं सुनते हैं और बार बार छात्रों को परेशान करने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और उनके स्टाफ कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। जल्द ही हम लोग ऐसा ही चलता रहा तो छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी छात्र संगठनों को लेकर के एक पुरजोर आंदोलन करेगी जिसका सिर्फ और जवाबदेही परीक्षा नियंत्रक होगा। हम लोग मतलब कल हम लोग का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था जहाँ जिसके जो इकोनॉमिक्स के पेपर के जगह पर ज्योग्राफी का पेपर दिया गया, जो हम लोग मैम को बोले कि मैम ये हम लोग का पेपर नहीं है। मैम बोले तुम लोगों का ज़्यादा सिलेबस पता है, सिलेबस कभी खोल के देखी है तुम लोग का? मैम तुम लोग को क्या पढ़ाती है तुम लोग को पता है, पढ़ाती भी है या नहीं? ऐसे करके उठ पटक हम लोग को मैम को भी बोला गया, मैम के बारे में हम लोग को बोला गया। जब हम लोग बोले कि मैम ये गलत है, हम लोग की क्लास में 3 मैम थी, मतलब जब मैम दूसरी मैम को हम लोग बोले मैम एक बार चेक कीजिए, तो दूसरी मैम लोग आई चेक की तो बोली कि हाँ सच में गलत पेपर आप लोगों को दिया गया। तब जब सही पेपर आया तब तक हम लोग को आधा घंटा लेट हो चुका था। इस बात के लिए हम लोग मैम को बोले कि मैम ये आधा घंटा लेट हो चुका है, इसका कवरअप तो आपको करना पड़ेगा, मतलब टाइम आगे तो देना पड़ेगा ना। तो मैम बोली ठीक है हम पेपर टाइम दिया जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे 12:05 में हम लोग से पेपर छीन लिया। फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा था कॉमर्स के, जिसमें कॉलेज प्रबंधन के गलती के द्वारा उनको इकोनॉमिक्स की जगह भूगोल का प्रश्न पत्र दे दिया गया। जब छात्रों ने इनका विरोध किया कि आपने हमें गलत प्रश्न पत्र दिया है, तो मैडम के द्वारा संबंधित छात्रों के साथ में अभद्रता किया गया। यहाँ तक कह दिया गया कि तुम लोगों का औकात नहीं है इस कॉलेज में बैठ के एग्जाम देने का। आखिर यह किस तरह का टिप्पणी है? इसके बाद उनको कहा गया, जब उनको रिलाइज हुआ कि हमने गलत प्रश्न पत्र दिया है, तो आधा घंटा के बाद उन्होंने क्वेश्चन पेपर को चेंज किया, यह कहते हुए कि आपको जो एग्जाम देने का समय दिया गया है उसमें आधा घंटा आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन समय से पूर्व ही 12 बजे सभी छात्र छात्राओं से उनका आंसर शीट छीन लिया गया, उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आखिर आज हम इसलिए घेराव करने के लिए आए हैं, आखिर एक शिक्षक को यह अधिकार किसने दिया है कि आप ये तुलना कर सके कि कौन सा विद्यार्थी आपके महाविद्यालय में बैठ के परीक्षा देने के योग्य है? आखिर एक शिक्षक को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हम यह मांग करने आए हैं जिन छात्र छात्राओं को आधा घंटा पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, उनके रिजल्ट की अनुशंसा करते हुए उनके रिजल्ट के लिए कोई स्पेशल नियम बनाए कि वो बच्चे फेल ना हो। दूसरी बात, अगर यह नहीं मुमकिन है तो बच्चों का यह पूरा एग्जाम लिया जाए और संबंधित टीचर जिन्होंने यह अभद्रता किया है उनको आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में उनको ड्यूटी नहीं दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में उस शिक्षिका का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, जिसकी जवाबदेही ग्रेजुएट कॉलेज प्रबंधन की होगी, छात्र संघ की नहीं होगी। तो जैसा कि हमने देखा पूरा मामला क्या है, यहाँ पर वर्कर्स कॉलेज के छात्राओं का सेंटर यहाँ पर पड़ा था, छठे सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी, यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी और उनका इकोनॉमिक्स का पेपर था, जबकि उन्हें गलती से भूगोल का प्रश्न पत्र थमा दिया गया और परीक्षा हॉल में मौजूद एक शिक्षिका के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और काफ़ी बातें हुई जिससे छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं, उन्हें आधे घंटे का जो समय उनको मिलना चाहिए था गलत प्रश्न पत्र मिलने के एवज में, वो भी उनसे नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा है, इसी को लेकर
छात्र नेताओं ने यहाँ पर कॉलेज में जमकर हंगामा किया, कॉलेज प्रबंधन पर कई सवाल भी उठाए, जिस पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से आश्वासन भी मिला है। तो देखिए किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है, और जो यहाँ पर दोषी शिक्षिका पाई जा रही है जिसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आ सका है, उस पर किस तरह से कॉलेज प्रबंधन कार्रवाई करता है। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।